अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद कहता हूँ एक नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इरफान टेक फॉर पीपल और मैं हूँ आपका दोस्त इरफान असलम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि सऊदी अरब में 2 घंटे डेली फ्री इंटरनेट मिलने वाला है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी है बेसिकली उन लोगों के लिए कि जो डेली सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे इंटरनेट यूज़ करते हैं और सिर्फ कॉल करते हैं पाकिस्तान या इंडिया पर किसी भी मुल्क में वो कॉल करते हैं, कॉल करने के लिए इंटरनेट यूज़ करते हैं। तो ये इंटरनेट किस तरह मिलने वाला है, कैसे आप हासिल कर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर ये आपको इंटरनेट मिलने वाला है, ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आप सऊदी अरब में हैं तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है और किस तरह आप इंटरनेट हासिल कर पाएंगे ये वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, अगर चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि सऊदी अरब में अब लेबर कवानीन कुछ चेंज हो रहे हैं और बहुत से कवानीन जो हैं वो चेंज हो रहे हैं 2021 में, तो आने वाले दिनों में बहुत ही मज़ीद जो हैं वो खुशखबरियां मिलने वाली हैं। लेकिन इंटरनेट के हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि सऊदी अरब ने ये ऐलान किया है कि सऊदी अरब में डेली 2 घंटे आपको इंटरनेट फ्री मिलेगा। अब वो इंटरनेट आपको कैसे मिलेगा, वो सिम कार्ड पे मिलेगा या फिर आपको वाईफाई यूज़ कर। तो गाइस, बेसिकली ये सऊदी अरब में आपको डेली 2 घंटे आपको इंटरनेट मिलेगा और वो भी वाईफाई कनेक्ट करके आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब वो वाईफाई किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, सऊदी अरब में कम अज़ कम 60,000 मुकामात पर मुफ्त वाईफाई सर्विस मुहैया की जाएगी। सऊदी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक वाईफाई सर्विस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमीशन की मुहिम के तहत फ्राहम की जा रहा है। इन मकामात में जहां फ्री वाईफाई मुहैया की जाएगी, इसमें हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े मॉल, जितने भी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं उनमें आपको फ्री वाईफाई मिलेगी। उसके बाद जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं, जहाँ पे भी पार्क वगैरह हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना है, वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई की सहूलत आपको मिलेगी। इसके अलावा हस्पताल में और उसके बाद मस्जिद नबी और मस्जिद हरम में, मतलब दोनों हरम शरीफ में आपको वाईफाई फ्री मिलेगी। अब गाइज, ये जो वाईफाई है ये आपने कनेक्ट किस तरह करनी है, मतलब कनेक्ट करने के लिए आपने गाइज ये करना है कि जैसे ही नॉर्मली कोई भी जो वाईफाई आप कनेक्ट करते इसी तरह आपने, अगर आप वहां पे मौजूद हैं, आपने सर्च किया तो आप जस्ट वाईफाई सर्च करेंगे तो वहां पे KSA के नाम से वाईफाई आपके पास शो होगी, चाहे आप सिम कोई भी यूज कर रहे हैं उसके साथ कोई तल्लक नहीं है। तो जैसे ही आप वहां पे जो सर्च करेंगे तो KSA के नाम से जो वाईफाई आपके साथ शो होगी आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद गाइज वहां पर आपके सामने उसका जो पासवर्ड है वो नहीं डालना, जस्ट वो कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको एक OPD कोड मिलेगा, आपने अपना नंबर टाइप करना है। वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपना नंबर यहां पर डालें, तो वहां पे आप अपना नंबर डालेंगे। उसके बाद आपको आपके नंबर के ऊपर एक OPD कोड मिलेगा और वो OPD कोड आपने वहाँ पे डालना है। उसके बाद आप जो है वो इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद वो इंटरनेट जो है वो ऑटोमेटिक खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तो इस तरह गाइज, आप कहीं भी जाएं, आप किसी भी पार्क में जाएं या फिर हॉस्पिटल में या फिर किसी भी मॉल में या किसी भी जगह पे जहाँ पे इंटरनेट फ्री अगर यूज़ हो रहा है, अगर वहाँ पे दे रहे हैं, तो आपने इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाना है। उम्मीद है गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।